इस सेशन में आप जैसे कि सभी लोग जानना चाहते थे कि एनिमेशन रिसोर्सेस कैसे बनते हैं, एनिमेशन क्या होता है, तो इसमें हम डिटेल्ड में सीखेंगे कि एनिमेशन रिसोर्सेस क्या होते हैं, पर्पस क्या होता है एनिमेशन रिसोर्सेस को क्रिएट करने का, और उन क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमेशन रिसोर्सेस क्या हैं और उनको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इस सेशन को लेने के लिए हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट हैं मिस्टर आयुष नागपाल सर। आई वेलकम सर। ही इज अ फील्ड एक्सपर्ट ऑफ फिल्म मेकर। ही इज इन द फील्ड सिंस 2006। सो सर, आर यू देयर इन द मीटिंग? Yes, good morning, everyone. सो गुड मॉर्निंग Welcome. सर। और आज हम लोग बहुत सारी बातें करने वाले हैं एनिमेशन के बारे में. आप सबका जी स्वागत है. मेरी आवाज आ रही है ठीक सबको? बिल्कुल हाँ बिल्कुल सर। आ रही है ना. चलिए ठीक नाउ है. वी कैन स्टार्ट सर। यस, सो आई विल जस्ट शेयर माय स्क्रीन एंड आई कैन स्टार्ट. या या सो वेलकम एवरी वन. एंड टूडे वील बी टॉकिंग अबाउट एनिमेशन इन एजुकेशन. आई एम फिल्म मेकर एंड आई डू एनिमेशन फिल्म ऑल्सो एंड लाइव शूट फिल्म ऑल्सो. सो दिस इज रियली नाइस वेन वी गेट टू यू नो मीट विद एकेडमिशियन. सॉरी सर, सॉरी फॉर इंटरप्शन या सर। आप में थोड़ा बाइलिंगुअल रहिएगा इस सेशन में, बस यही एक अच्छा ठीक रिक्वेस्ट है. है। ठीक है थैंक मैम. ठीक है. यू सर, ओवर टू तो यू सर। जी, थैंक यू. तो मैं ये बताना चाह रहा था कि हम लोग को बहुत अच्छा लगता है बिकॉज हम लोग तो काम कर रहे होते हैं फील्ड में और हमारे पास में काम जो होते हैं इट इज़ मोस्टली केवल प्रोफेशनल काम कर रहे होते हैं. पर जब आप लोगों से मिलने का सर मौका आपका मिलता है ना. वॉइस लेवल बहुत लो है, मतलब ठीक से समझ नहीं आ रहा है। लो है. ओके एक मिनट प्लीज, एक मिनट रुकिए. अभी देखिए, अभी अभी बेटर है. एनी बेटर ना यस आवाज़ सर, मच पहले बेटर। से बेटर है जी. ठीक है. तो आप सबका इस प्रोग्राम में स्वागत है एंड वील बी टॉकिंग अबाउट एनिमेशन इन एजुकेशन. तो एजुकेशन में एनिमेशन की बात करने से के लिए हम लोग जब बातें कर रहे होंगे वील बी टॉकिंग अबाउट दिस इज़ अ ब्रीफ आउटलाइन ऑफ द सेशन. वील बी टॉकिंग अबाउट व्हाई एनिमेशन इज इम्पॉर्टेंट, व्हाई इट इज़ रिक्वायर्ड, व्हाट ऑल कैन बी अचीव्ड बाय एनिमेशन एंड व्हाट इज़ एनिमेशन, टाइप्स ऑफ एनिमेशन एंड डिफरेंट स्टेप्स ऑफ डिज़ाइनिंग द एनिमेशन. इस पे बिकॉज यू नो इट इज़ रियली नाइस अगर आप लोग सब भी पार्टिसिपेट करें. And it will be nice if you can, you know, if we can have it an open session where you all can raise your hands, you can use chat freely. And just one second, sir. क्या मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? सर आवाज़ आपकी मेरी आवाज तो क्लियर है पर काफी लो है काफ़ी लो सर, है. ओके. आई मतलब जस्ट आई मैं एक बार दोबारा ज्वाइन करता हूँ. एक मिनट दीजिएगा इफ मुझे. यू कैन यूज इधर द हेडफोन्स और इंक्रीज द इनपुट वॉल्यूम ऑफ योर डिवाइस। ओके, जस्ट वन मिनट प्लीज. प्लीज वेट फॉर अ मिनट। हमारे एक्सपर्ट फिर से ज्वाइन कर रहे हैं, प्लीज वेट।
जी रामपाल सर, यू हैव रेज्ड योर हैंड। और मैं ही आउट हो गई। ठीक है, अभी अभी आवाज कुछ बेटर है? सर सेम ही है, अभी भी काफी लो है। ठीक अच्छा ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा जोर से बोलने की कोशिश करता हूँ। दैट इज द ओनली थिंग आई थिंक आई कैन डू श्योर सर। जस्ट वन। सर आप दूसरे डिवाइस से आप फोन यूज कर दूसरे सकते हैं, मोबाइल से आप शायद ऑडियो यूज कर लीजिए, अपने डेस्कटॉप से आप स्क्रीन शेयर कर लीजिए, सो दैट शायद बेटर हो जाए। Yes, is it any better now? Sir, perfect. Hello. Hello. Sir. मेरी आवाज क्लियर है अभी? बिल्कुल सर, बिल्कुल परफेक्ट। ओके okay. ठीक है, तो जी हाँ, तो मैं एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ। यस, सो अभी ऑडियो वीडियो दोनों चीजें क्लियर हैं, राइट? यस सर। ओके, थैंक यू सर। तो आप सबका इसमें स्वागत है एक बार फिर, एंड सो एज आई वाज सेइंग, इट विल बी नाइस इफ यू कैन कीप इट ऑन ओपन सेशन। अगर आप सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकें, आप लोग चैट का यूज कीजिए, जस्ट सो दैट सब लोग एक साथ बोलेंगे तो शायद सबको थोड़ा सा परेशानी होगी, तो आप चैट या हैंड्स रेज करके बात कर सकते हैं। और एनिमेशन जो है ये इट्स नॉट इट इज नो रॉकेट साइंस, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान चीजें हैं। पर हाँ, ऐसा जरूर है कि ये टीम की प्रोडक्शन होती है। जो नॉर्मल जो प्रोफेशनल एनिमेशन होती है वो अकेला इंसान नॉर्मली नहीं कर रहा होता है, एक कुछ टीम के लोग कर रहे होते हैं और उसमें अलग अलग किस्म के प्रोफेशनल्स होते हैं। तो उसके कारण होता क्या है कि थोड़ा सा स्पेशलाइज काम होता है। जैसे आप लोगों का काम टीचिंग है, ऐसे ही एनिमेशन अपने आप में एक सब प्रोफेशन, एंड इनफैक्ट देर आर प्लेंटी ऑफ प्रोफेशन, उसी के अंदर ही बहुत सारे प्रोफेशन होते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जो लोग इंडस्ट्री में नहीं है उनके लिए प्रोफेशनल एनिमेशंस बनाना, केवल थोड़ा सा ही मुश्किल होता है। मगर व्हाट दे कैन डू इज, शुरुआत के लिए आप लोग बहुत सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं जिनको इस्तेमाल कर सकते हैं, और आगे जाने जा करके जैसे आप थोड़ा सा तो एनिमेशन कर लेते हैं और जब आप थोड़ा सा सेमी प्रोफेशनल लेवल पे आ जाते हैं, देन यू कैन वर्क विथ टीम्स। आप किसी टीम के साथ में काम कर सकते हैं, बहुत सारे आपको रिसोर्सेज मिल जाएंगे, और
देन उस वक्त आपका जो रोल होता है वो केवल ये होता है कि अपने विजन को क्लियर करना और उस विजन को वो लोग इम्प्लीमेंट करें। वो विजन कैसे क्रिएट किया जाए और उनसे किस तरह की टर्मिनोलॉजी में बात की जाए और क्या उनको बताया जाए, दिस इज व्हाट प्राइमरीली वी विल बी टॉकिंग अबाउट इन दिस सेशन। ओके, तो या सो आप लोग फील फ्री टू इंटरप्ट मी व्हेनेवर यू वांट, एज लॉन्ग एज यू आर यूजिंग द हैंड, यू आर रेजिंग योर हैंड्स, राइट, एंड वी विल बी अराइविंग एट द आंसर्स टुगेदर। आप और मैं, हम लोग सब मिलकर के हम लोग विल ट्राई टू अराइव एट आंसर्स। लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट वो बहुत प्रिलिमिनरी हो, वो हम सब ने बचपन में पढ़ी हुई होगी, बट जस्ट बियर विद अस, एक बार रिवाइज कर दिया जाएगा उनको, ठीक है। सो आगे बढ़ने से पहले एक बार देखते हैं कि व्हाट आर वी गेटिंग इनटू, एनिमेशन है क्या, एनिमेशन में हम लोग कर क्या रहे हैं। तो उसके लिए एक छोटा सा जो है वीडियो देखते हैं, और इस वीडियो से आपको सर वीडियो में अगर कोई ऑडियो आवाज है वो नहीं आ रही हमें। ओके, benefits everyone around you, it begins to show. And the kindness spreads. Mushkil mein ho pashu malik, ashum pe ho atyachar. मुश्किल में हो पशु मालिक अश्वों पे हो अत्याचार सुलझाने हर उलझन उनकी आ जाता वहाँ अश्वकुमार आया अश्वकुमार 15th August 1947 midnight
India awakes to a new life of freedom. But 2 centuries of colonial rule had decayed India from within, leaving the country ridden with poverty and hunger. Our founding fathers set out to wipe every tear from every eye. They needed a pole star, that single focal point to make India modern and progressive. Something that captured the uniqueness of the chaotic but eternally hopeful nation. आवाज क्लियर है अभी? एक बार आप फिर से सर बोले प्लीज। यस, अभी आवाज क्लियर है? एको। ओके। एक डिवाइस का ऑडियो बिल्कुल आप डिस्कनेक्ट कर दीजिए, देन एको विल नॉट बी देयर। या या। या, नाउ इट इज क्लियर ना? यस। तो अभी जो हमने देखा, दिस वाज दीज वर डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ एनिमेशन एंड वी विल जस्ट क्विकली एक बार इसको रिवाइज अगर हम करें तो वी सॉ तो हमने जो देखे वो अलग अलग एग्जांपल्स थे जिसके अंदर देयर वाज सम 2D एनिमेशन एंड देयर वाज सम 3D एनिमेशन एंड देयर वाज सम एनिमेशंस जिनके अंदर 2D और 3D दोनों चीजें एक साथ, ठीक है, एंड हम लोग इन सब की बात कर रहे होंगे कुछ ही देर में। और ये देखिए, ये जो पहला एनिमेशन जो हमने देखा था, ये इसको टाइपोग्राफिक एनिमेशन कहा जा सकता है। टाइपोग्राफिक का मतलब होता है जिसके अंदर टाइप का इस्तेमाल हो, टाइप माने टेक्स्ट। तो इसमें जिस तरह से टेक्स्ट को एनिमेट किया गया और उसके थ्रू अपनी बात कही गई, इसलिए इसको टाइपोग्राफिक एनिमेशन कहा जा सकता है। अगर 2D और 3D की बात करें तो ये 2D ही है। थोड़ा सा अगर हम जब आगे बढ़े थे, ये वाला जो एनिमेशन था, ये गब्बर वाला जो एनिमेशन था, ये 2D एनिमेशन। उसके बाद में ये यूनेस्को का एनिमेशन था जिसके अंदर 2D और 3D दोनों इस्तेमाल किए गए हैं। इसमें जो बैकग्राउंड है वो 3D है, 3D है, और जो इसमें रिसोर्सेज हैं वो 2D। और जब हम आगे बढ़ते हैं इज अगेन एक और 2D एनिमेशन है, और ये एक 2D एनिमेशन है जिसके अंदर थोड़ा सा कैमरा मूवमेंट्स इस्तेमाल किए गए हैं, विच मेक्स इट 3D, और इसके अंदर साथ में कुछ FX यूज किए गए हैं। इफेक्ट्स मतलब ये जो लाइटिंग इफेक्ट्स होते हैं, जो इसमें लाइट और शेड की जो काम हो रहा है, इसको इफेक्ट्स कहते हैं। इनको इस्तेमाल किया गया, स्पेशली जैसे ये सब चीज़ें, ये कुछ स्पेशल प्लगइन्स होते हैं जिनसे क्रिएट किया जाता है। तो ये भी 2D ही है, मगर इसमें इफेक्ट्स का काम है थोड़ा सा। तो ये अच्छा, देन उसके बाद में दिस इज फ्रॉम अ फीचर फिल्म। ये एक फीचर फिल्म थी, ओके जानू उसका है। इसके अंदर ही सारा का सारा गेमिंग सीक्वेंस, गेमिंग सीक्वेंस में दिस इज हाइपर रियलिस्टिक एनिमेशन। हाइपर रियलिस्टिक का मतलब है इसके अंदर जैसे जो जितनी जो मूवमेंट्स हैं, क्योंकि इसमें गेम बनाने की कोशिश की गई थी, इसमें जो मूवमेंट्स हैं उन सबको एग्जैगरेट किया।
उसमें जो रिफ्लेक्शंस हैं स्कूटर पे, जो लाइट के मूवमेंट्स हैं, जो लोगों के जिस तरह से वो एनिमेट हो रहे हैं, जो वो उनको एग्जैगरेट किया गया, उनको थोड़ा सा ज्यादा बढ़ाया गया। इस केस में ये जो बर्ड है, ये जो बर्ड हम देख रहे हैं, ये बर्ड एनिमेटेड है, ये देखिए। सो उतना रियल एनिमेशन भी पॉसिबल है, ये आपको एक जस्ट बताने के लिए इसको डाला गया था कि समथिंग एज रियल एज दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। सिमिलरली इसके अंदर जो ये जो गिलहरी है, ये गिलहरी भी एनिमेटेड है, दिस इज 3D एनिमेशन, ये दोनों 3D एनिमेशन के एग्जाम्पल। तो इस तरह से जैसे हमने देखा कि एनिमेशन में काफी सारी चीजें पॉसिबल होती। एनिमेशन के का फायदा क्या है, लेट्स जस्ट अगर हम लोग आपसे पूछें, अगर आप लोगों के हिसाब से, क्योंकि ऑलमोस्ट हर एक चीज जो हम एनिमेशन से करते हैं वो एक क्लासरूम में भी की जा सकती है, तो आखिर एनिमेशन किया क्यों जाए, इसके बारे में आपके क्या विचार है? एनीथिंग इफ यू वांट टू ऐड प्लीज गो अहेड एंड यूज चैट, एंड अगर कोई हैंड रेज करके भी अगर कुछ शेयर करना चाहे तो यू आर वेलकम। यस, इट एंगेजेस स्टूडेंट्स, इट इज इंटरेस्टिंग फॉर किड्स, इट इज एंटरटेनिंग, यस यस, इट इज रियल सिमुलेशन। ये बहुत इंटरेस्टिंग आपने शब्द यूज कर लिए, रियल और सिमुलेशन। To make topic more interesting, it attracts and fascinates, it thrills, it makes things live, yes. So all of these are real. So when I ask myself कि क्यों animation की ज़रूरत होती है, especially education के लिए, तो जो answers जो मुझे समझ में आए थे वो ये थे कि one is that it lightens the mood, why? Because इससे एक एसोसिएशन हमारी बन गई है, क्योंकि जब हम लोग बचपन से देखते हुए आ रहे हैं तो इससे एक एसोसिएशन बन गई है, उसके कारण इट लाइटन्स द मूड, इट अट्रैक्ट्स अटेंशन इजीली, इट डिपिक्ट्स अटेंशन इजीली, क्योंकि अगेन इसके अंदर बहुत ही अजीब अजीब चीजें हम दिखा सकते हैं जो नॉर्मल शूटिंग में दिखानी पॉसिबल नहीं होती। देन इट डिपिक्ट्स डिफिकल्ट टू शूट टॉपिक्स, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जिनके अंदर जिनको शूट करना पॉसिबल ही नहीं होता है, जिनको शूट करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपको कुछ वॉर टाइप की सीक्वेंस दिखानी है या कुछ सर्जिकल प्रोसीजर दिखाना है तो उनको शूट करना बहुत मुश्किल होता है, तो वहां पर एनिमेशन हमारी मदद कर सकते हैं। इसी तरीके से जो है जो फैंटेसी बेस्ड सिचुएशंस होती है, जैसे माइथोलॉजिकल सिचुएशंस होती हैं, जो इमेजिनेटरी सिचुएशंस होती हैं, तो उनको दिखाने के लिए भी एनिमेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड ऑल्सो कुछ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनको दिखाने के लिए भी एनिमेशन की हेल्प ली जा सकती है। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स का मतलब है कि जब आप किसी को कुछ अगर आप मान लीजिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट टेक्निक्स बता रहे हैं, दैट इज नॉट समथिंग यू कैन यू नो, आप उनको समझा नहीं सकते हैं, तो एक स्ट्रक्चर जो है कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर दिखाने के लिए आप एनिमेटेड इंफोग्राफिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ और बहुत अच्छे एग्जांपल वो आए हैं, आंसर्स भी आ रहे हैं कि सब्जेक्ट्स कैन बी टॉट इन वन स्मॉल डिजिटल पार्ट एंड इट इज वेरी इफेक्टिव फॉर लर्न बिकम्स एंड इट कैन बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर स्टूडेंट्स टू लर्न। यस, दे आर ऑल ऑफ योर आंसर्स आर वेरी करेक्ट। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़े और हम समझें कि एनिमेशन का हमने एग्जाम्पल तो देख लिया, हमने एनिमेशन के फायदे भी देख लिए, पर एनिमेशन है क्या? लेट अस जस्ट ट्राई टू डिफाइन एनिमेशन। व्हाट डू यू मीन बाय एनिमेशन? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनिमेशन? एनी इनपुट्स फ्रॉम दिस वन? कि अगर हम सिंपलेस्ट शब्दों में एनिमेशन की एक डेफिनेशन की बात करें, और जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो हम वो करना चाहें, मेरी आवाज बिल्कुल नहीं आती क्या? आवाज में प्रॉब्लम आ रही है क्या फिर से? नहीं नहीं, इट्स फाइन, ये ठीक है। ठीक है, थैंक्स। सो एनिमेशन, व्हाट डू यू मीन बाय एनिमेशन? एनी इनपुट्स ऑन दिस वन? यस, एनी मोशन, दैट इज एक्चुअली अ वेरी वेरी करेक्ट आंसर, यू नो। पर
नवनीत मैम कह रही हैं कि एनी मोशन इज एनिमेशन इज एनिमेशन, पर व्हाट एग्जैक्टली इज मूविंग इन एनिमेशन, आई वुड लाइक टू आस्क यू. सो सर, देयर आर आंसर्स इन द चैट बॉक्स. मैनिपुलेट इमेज एंड थिंग्स, अनरियल ऑब्जेक्ट टू क्लासरूम, ऑब्जेक्ट इन मोशन. यस यस, वी आर, आई एम एबल टू रीड देम. या आई वांट टू आस्क देम बैक, इज देयर एनीथिंग मूविंग इन एनिमेशन. Lot of people are saying that it is about movement, and which is a very correct answer in one way. एक तरीके से बिल्कुल सही जवाब है ये. मगर क्या move कर रहा है? आप बैठे हैं और सामने एक screen है, दोनों अपनी अपनी जगह पर. सोच के बताइए movement कहाँ हुई? कुछ movement हुई या नहीं हुई? थोड़ा सा tricky question है ये, सोच के बताइएगा. Not moving, but they appear to move. Yes, अभी अभी बात समझ में आई कि चीजें movement हो नहीं रही है. They are appearing to me. Right? So, what do we understand by animation? The definition is, see, animation is a method in which figures are manipulated to appear as moving images. हम उनको manipulate कर रहे हैं इस तरीके से कि वो appear हो रहे हैं कि वो moving images हैं. Appear is really important कि वो actually कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रही, कोई भी चीज अपनी जगह से नहीं हिली. दिस जस्ट पिक्सल्स जिनकी लाइट्स बंद हो रही हैं और जल रही हैं, उनके रंग चेंज होता है. ठीक है, तो ये कैसे फिर काम करता है? सो लेट्स सी. एनिमेशन जो है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल व्हिच इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ विजन. हमारे जो बायोलॉजी के टीचर्स हैं उनको पता होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ. परसिस्टेंस ऑफ विजन, ये दिस इज वॉट आर आई लुक्स लाइक. ये हमारी आंख का स्ट्रक्चर होता है, हमने सब ये बचपन में पढ़ा हुआ है. इसके पीछे यहाँ पर एक रेटिना होता है और आगे के समय आगे की जगह पर आगे इसके आगे एक लेंस होता है. इस आंख के आगे जो भी कोई ऑब्जेक्ट आता है, जैसे कोई पेड़ आया या कुछ भी आया, तो उसकी एक इन्वर्टेड इमेज ये कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू बन जाती है आंख के पीछे. अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वो इमेज आंख के यहाँ पर रेटिना में रहती है और यहाँ से वो वाली इमेज को हमारी जो इसकी ऑप्टिकल नर्व होती है उससे वो दिमाग में चली जाती है और दिमाग उसको इंटरप्रेट करता है. वी ऑल नो दिस. पर होता क्या है कि ये जो इमेज होती है ना, ये इमेज थोड़ी देर के लिए रहती है और तब तक दूसरी इमेज आ जाती है, क्योंकि कोई हमारा गर्दन तो हिलती रहती है. जो एग्जैक्ट इमेज है उसकी जो उसका कॉन्टेंट है वो चेंज होता रहता है. तो ये प्रोसेस लगातार चालू रहे. तो ये जो इमेज होती है, ये ना तो परमानेंट होती है ना टेम्परेरी होती है. ना तो ये हमेशा रहती है और ना ये ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं रहती. सो दिस इमेज दिस स्टेज फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड ऑफ अ टाइम. अगर उस समय, नाउ दिस इज वेयर द इम्पोर्टेंट थिंग इज, कि अगर उस समय जब ये इमेज है और नहीं है, उन दोनों के बीच में अगर हम एक नई इमेज दिखा दें जो पिछली इमेज से बिल्कुल हल्की सी कम, बिल्कुल हल्की सी फर्क है, थोड़ी सी हिली हुई है, तो हमारा दिमाग जो है, जो बचपन से चीजें देखता हुआ आ रहा है, उनको इंटरप्रेट कर रहा है, वो उसको ऐसे इंटरप्रेट करेगा जैसे वो चीज हल्की सी मूव हो, वो अपनी जगह से हिल करके दूसरी जगह चली गई. दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ विजन. एंड दिस प्रिंसिपल ऑफ परसिस्टेंस ऑफ विजन is the basic principle behind all kinds of animation, all kinds of cinema, all video, even जो हमारा UI UX जो phones के लिए बनता है. basically कोई भी चीज़ अगर movement होती है तो वो electronic दुनिया में अगर हो रही है तो persistence of vision के ऊपर आधारित है. ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत interesting चीज़ आ रही है. ये जो persistence of vision को मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड में एनीथिंग इट इज मूविंग इट इज बेस्ड ऑन परसिस्टेंस ऑफ विजन. पर पता है इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल होता है विच इज नॉट इन द इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड एट ऑल. एनी गेसेस? चलिए पहले उससे पहले आपको एक छोटा सा ये भी दिखाते हैं कि एनिमेशन को हम जो मैंने बताया उसको कैसे समझ सकते हैं. ठीक, एनिमेशन इन सिंपलेस्ट वर्ड्स इज, वेरी क्विकली वील गो थ्रू दिस. वी शो एन इमेज, हमने कुछ भी एक इमेज दिखाई, उसके बाद में हमने वो वाली इमेज के गायब होने से पहले
हमने एक थोड़ी सी स्लाइटली मॉडिफाइड इमेज दूसरी देखी और एंड वी कीप रिपीटिंग दिस. तो व्हेन वी कीप रिपीटिंग दिस हमारा दिमाग जो है उसको इंटरप्रेट कर रहा है कि वो चीज बुक कर रही है. ठीक है, अब इस प्रिंसिपल को इस्तेमाल करके सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड की मूविंग कम्युनिकेशन होती है, मगर एक तरीका, एक इसका एप्लीकेशन है विच इज नॉट इवन इलेक्ट्रॉनिक. इसका कैमरे से कोई मतलब नहीं है, जिसका बिजली से भी मतलब नहीं है, एंड इट हैज बीन विद अस फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. विद अस मींस एज अ कम्युनिटी वो हमारे साथ में कम से कम 500 सालों से है. ठीक है, और वो चीज है, आप देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, एक छोटा सा वीडियो देखिएगा, देन वी विल कम टू दिस. आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, ये इसको ध्यान से देखें तो ये राइट साइड में एक उंगली है जो मूव कर रही है और कुछ पेपर्स हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, जो एक के बाद एक आते जा रहे हैं. दिस इज नोन एज फ्लिप बुक, एज समबडी वेरी राइटली हैज सेड, एंड इज वंस अगेन इट इज मैडम नवनीत कौर फ्रॉम चंडीगढ़, शी हैज सेड दैट दिस इज अ फ्लिप बुक विच इज सो राइट. तो ये जो फ्लिप बुक है, फ्लिप बुक बहुत टाइम से हमारे साथ में रही, फ्लिप बुक्स, और इसके कई 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 एप्लीकेशन हैं, और फ्लिप बुक्स के थ्रू हम एनिमेशन कर सकते हैं. इनफैक्ट दिस इज एन एग्जांपल दैट फॉर एनिमेशन यू जस्ट नीड इमेजिनेशन. एक इमेजिनेशन चाहिए और पेपर और पेन चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए. हम लोग बेकार में चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करते रहते हैं. इट इज समथिंग वेरी सिंपल, आप केवल एक इमेज बनाइए, बट दिस वन जस्ट नीड्स टू बी वेरी केयरफुल कि आप यू नीड टू हैव दैट मच कंट्रोल इन योरसेल्फ कि आपने जो एक इमेज बनाई और जो दूसरी इमेज बनाई वो पूरी तरह से सेम है, उसमें केवल एक हल्का सा फर्क. एंड वी नीड टू हैव दैट क्लैरिटी कि हम एक के बाद एक हम एग्जैक्टली क्या चेंज करने वाले. तो वो क्लैरिटी कैसे आएगी उसके ऊपर हम अभी बात करेंगे थोड़ी देर में. एक बस क्विकली उस क्लैरिटी के ऊपर ही आने से पहले एक बार बात करते हैं कि है ना एनिमेशन की टाइप्स क्या क्या होती है. और क्योंकि उन सबका जब हम डिफरेंट टाइप्स की बात करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि सारी की सारी जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनका जो पाइपलाइन है उनको बनाने का वो थोड़ा थोड़ा सा फर्क. ठीक है, तो पहला है 2D एनिमेशन, फिर है 2D animation, 3D animation, और new media. 2D animation होती क्या है? इसके लिए एक बार इस व्यक्ति हम लोग समझते हैं कि डायमेंशन क्या हो. तो 2D की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं 2D. तो ये सब भी अगेन ये टॉपिक है जो हमने बच्चों ने पढ़ा हुआ है. डायमेंशन होता है किसी भी पॉइंट का या किसी भी चीज की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, वो कितने कितने तरीकों से वो चीज़ मूव कर सकती है.
अगर एक पॉइंट है और वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकता है तो उसको हम कह सकते हैं कि वो जीरो डायमेंशन में, उसका उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं। अगर वो एक ही डायमेंशन में मूव कर सकता है, जैसे दिल्ली से जयपुर अगर रेलगाड़ी जा रही है, ये थोड़ा सा क्रूड एग्जाम्पल है, तो वो या आगे जाएगी या पीछे जाएगी, सो दैट इज अ वन डायमेंशनल मूव। एंड यू नो वी, ये हम लोग शब्दों में फंस जाते हैं, बहुत बड़े बड़े शब्द होते हैं, बट दिस कॉन्सेप्ट इज सो मच विद अस। अब जब अगर हम किसी से पूछते हैं कि भाई तुम कितनी दूर हो, वो ट्रेन से आ रहा है, तो वो केवल ये बता रहा है कि भाई कोटा निकल गया या फलाना शहर निकल गया, क्योंकि उसका मतलब उसको एग्जैक्ट पॉइंट बताने की जरूरत नहीं है या मैं इतनी दूर, इतने मिनट दूर हूँ, क्योंकि दूसरा इंसान ये समझ जाता है कि वो उसी लाइन पर ही होगा, उसी पॉइंट पर ही होगा। सो दैट इज बेसिकली आई एम ट्राइंग टू से कि जो वन डायमेंशनल मूवमेंट है, दिस इज वेरी इंट्यूटिव। तो हम शब्दों पे ना समझें, ना फंसे और उसके मीनिंग को समझें। सेकेंड इज 2D। 2D इज जब हम आगे पीछे और लेफ्ट राइट दोनों तरफ, जैसे एक चींटी किसी बोट पे चल रही है, जैसे हम पैदल चल रहे हैं, दैट इज 2D एनिमेशन। एंड 3D एनिमेशन ऑफ कोर्स इज जब हम लोग ऊपर भी चढ़ सकते हैं, जैसे जैसे बर्ड्स। तो जब कोई भी नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट, जब कोई भी चीज विच इज इन एन एनिमेशन वर्ल्ड, इट इज मूविंग इन अ 2D प्लेन एंड इट इज अ 2D सर्फेस, तो उसको हम 2D एनिमेशन कहते हैं। और जब कोई भी चीज 3D हो और वो 3D दुनिया में घूमे, विच इज लेफ्ट राइट और ऊपर नीचे भी घूमे, उसको हम कह सकते हैं 3D एनिमेशन। ओके, इट इज एन एनिमेशन फिल्म इन विच इन्वॉल्व्स फ्लैट कैरेक्टर्स मूविंग ऑन अ 2D कैनवस। ठीक है, जैसे हमने ये शुरू में देखे थे कुछ एग्जांपल्स, तो इसके अंदर अगर हम देखें कि अब देखने में तो हमें लग रहा है कि डेप्थ भी है, कि अगर ये फ्लैट है मगर आगे पीछे भी है, जैसे ये पगड़ी वाला जो इंसान है ये घोड़े के पीछे है, गधे के पीछे, और ये दूसरा इंसान गधे के आगे है, मगर ये एक्चुअली केवल एक इल्यूजन है। अगर मुझसे कोई पूछे कि ये व्यक्ति इसका फेस का दूसरा साइड कैसी दिखती है, तो कंप्यूटर को पता ही नहीं होगा, क्योंकि वो साइड कभी बनी ही नहीं, इसकी केवल एक ही साइड बनी है, इसकी बाजू सब कुछ इसका फ्लैट ही बना हुआ है, ये सारे के सारे ये लोग फ्लैट ही बने। दिस इज 2D एनिमेशन। अनदर एग्जाम्पल ऑफ 2D एनिमेशन, इसके अंदर ये जितने लोग हैं इस सीन में, ये सारे के सारे, हालांकि देयर इज अ इल्यूजन ऑफ डेप्थ कि ये एक चट्टान है जो आगे है, उसके पीछे एक और व्यक्ति खड़ा है, उसके पीछे कोई और खड़ा है, और कोई किसी के आगे है पीछे, मगर ये सब कुछ क्रिएट किया गया है, केवल इल्यूजन से। वो इल्यूजन कैसे काम कर रहा है वो भी बहुत आसान है, एंड अगेन बहुत इंट्यूटिव है। ये देखिए, जो सबसे आगे ये जो डाकू बैठा हुआ है इसका साइज देखिए, और ये जो पीछे बैठा हुआ है इसका साइज देखिए, जो साइज का फर्क है केवल इसी से, और प्लस कुछ चीजें और कि ये चट्टान के साथ में इसको फिक्स किया गया और इसको दूसरी चट्टान के साथ फिक्स किया गया, इन सब चीजों से ये इल्यूजन क्रिएट होता है। अदरवाइज दिस इज टोटली फ्लैट सर्फेसेस मूविंग ऑन फ्लैट बैकग्राउंड, एंड दैट इज व्हाट मेक्स इट अ 2D एनिमेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं 3D एनिमेशन। तो 3D एनिमेशन क्या होता है? 3D एनिमेशन में 3D सरफेस होंगे और 3D कैरेक्टर्स होंगे। ठीक है, जैसे एक ही छोटा सा एग्जांपल है, ये देखिए, तो ये है 3D एनिमेशन। जब मैं कहता हूँ 3D एनिमेशन, इसका क्या मतलब? इसका मतलब हुआ, एक मिनट दीजिएगा, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। ये देखिए, ये देखिए, जब हम कहते हैं, मेरी आवाज, मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? आई थिंक दिख रही होगी। जी सर, दिख रही है। जी, थैंक यू। हाँ,
ये व्यक्ति, इसको जब हम इस कैरेक्टर को देखते हैं तो ये 3D है, ऐसा क्यों हम कह पा रहे हैं? क्योंकि ये इसका कंप्यूटर में जो जिस तरीके से स्टोर हुआ है, तो इसके पीछे क्या है वो भी स्टोर हुआ है। ये एक स्फीयर, इसका सिर जो है वो एक बॉल की तरह स्टोर हुआ है, या इसकी बॉडी जो है एक 3D सिलेंडर की तरह स्टोर हुई है। उसके कारण हम कंप्यूटर से बोल सकते हैं, कंप्यूटर के उसमें सारा का सारा डेटा है कि वो पीछे से कैसा दिख रहा है, आगे से कैसा दिख रहा है। हमें केवल कंप्यूटर को ये बोलना होता है इसका ये वाला पार्ट दिखाइए। और इसमें आप एक और चीज बहुत ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर किस तरीके से ये, अब जब भी हम किसी चीज को देखते हैं तो हम आइसोलेशन में तो देखते नहीं है, उसमें लाइट का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो कंप्यूटर को एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम जैसा समझ लीजिए, वो बनाना पड़ता है जिसके अंदर कंप्यूटर ये स्टोर करता है कि जहाँ पे हम इसको देख रहे हैं तो वहाँ पे कैसी रोशनी आ रही है, कहाँ किस एंगल से पड़ रही है। उसके बाद में वो ये भी स्टोर करता है कि वो जो चीज़ है उसकी जो सरफेस है वो किस तरीके से उस लाइट से इंटरेक्ट करेगी। ठीक है, जैसे अब आपके सामने फोन होगा तो, और कोई भी लाइट सोर्स अगर आप उसके सामने फोन को रखेंगे तो फोन का जो फ्रंट का एरिया है, जो शीशा है, वो उस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा और वहां पे आपको लाइट की रिफ्लेक्शन नजर आएगी। पर उसी के पीछे का एरिया अगर देखेंगे तो अगर तो वो मेटालिक होगा तो वहां पे तो आपको रिफ्लेक्शन नजर आएगी, पर अगर वो प्लास्टिक का होगा तो शायद वो नहीं नजर आएगी। तो ये जो चीज है, दिस इंफॉर्मेशन ऑल्सो फॉर एवरी सर्फेस हैज टू बी शोन, हैज टू बी स्टोर्ड इनसाइड द कंप्यूटर, एंड दिस इज व्हाट मेक्स 3D एनिमेशन। सर सॉरी टू इंटरप्ट, आर यू शेयरिंग योर स्क्रीन? बिकॉज वी आर नॉट एबल टू सी दैट। या आई हैड स्टॉप्ड इट, आई वाज ट्राइंग टू ओपन समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। दैट इज ओके ओके सर, I thought that you are sharing, so that's why. Yeah. Right. So, होता क्या है कि जब हम कोई चीज़ को, so basically जब हम अलग-अलग surfaces को जब हम देखते हैं, जब हम फोन को for example देख रहे हैं, तो उसके एक side की surface और दूसरी side की surface light से अलग-अलग तरीके से interact करती है। So this information also has to be stored in the computer. Now, before we move ahead, एक छोटी सी चीज आपको और बताऊंगा, then we can come to the 2D animation pipeline and 3D animation pipeline. वो छोटी सी चीज क्या है कि animations में हमें ये भी देखना पड़ता है कि वो character based है या infographic based है। मतलब वो character based है तो उसमें story होगी, कहानी होगी, और infographic based है तो उसके अंदर ज्यादा बातें होंगी, concepts होंगी। एक बार क्लियर हो जाता है, इन्फोग्राफिक तो सबको पता है ना क्या होता है, ये इन्फोग्राफिक बेस्ड एनिमेशन, ठीक है, इसके अंदर कोई स्टोरी नहीं है, बस चीजें मूव कर रही है। ठीक है, नाउ इसके बाद में हम बात करेंगे, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है बार बार, इसके बाद में हम बात करने वाले हैं एनिमेशन फिल्म्स को बनाने के लिए हमारी पाइपलाइन क्या होती है। और पाइपलाइन में हमें ये देखना पड़ता है, पाइपलाइन का क्या मतलब है कि स्टेप्स, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में बताया था कि बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, और क्योंकि ये टीम एफर्ट होता है, एटलीस्ट जब आप इंडस्ट्री स्केल की बात करते हैं, जब आप प्रोफेशनली बनाते हैं तो वो एक टीम एफर्ट बनाना ही होना ही पड़ता है। और जब हम टीम एफर्ट की बात करते हैं तो हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, और उसके अंदर उसके तीन मेजर फेजेस की तरह इसको समझा जा सकता है। तो वो फेजेस हैं, पहला है आपका प्री प्रोडक्शन, इसके अंदर आप ये सोचते हैं कि हमें हम करना क्या चाहते हैं, उसको हम डिफाइन करते हैं। उसको हम क्यों डिफाइन कर रहे हैं? ताकि सभी लोग एक ही
एक ही पेज पर आ सके, सभी लोग एक ही दिशा में चले, तो उसमें सबसे पहले हमें हम शुरू करते हैं कि हम कॉन्सेप्ट नोट कि हमें जाना का उसको हम एज क्लियरली बताने की कोशिश करते हैं, देन दैट ट्रांसलेट्स टू अ स्क्रिप्ट। नाउ ये सारी चीजें देखने में बहुत नॉन टेक्निकल लग रही हैं, मगर ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम जब तक हम क्लियरली लिखेंगे नहीं कि कौन सा कैरेक्टर क्या बोलेगा, किसके बाद में क्या बोलेगा, तब तक हम आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। स्क्रिप्ट लिखने के बाद में हम आते हैं कैरेक्टर्स पे, कैरेक्टर्स को डिजाइन करते हैं। नाउ कैरेक्टर्स को डिजाइन करने के लिए वंस अगेन इट इज इम्पोर्टेंट कि हर एक उसका जो जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मीट हो रहे हैं। कि नॉर्मली हम कैरेक्टर्स ऐसा बनाते हैं जो जो हमारी टारगेट ऑडियंस है उन तक पहुंच सके, वो उनसे आइडेंटिफाई कर सके। कैरेक्टर डिजाइन के बाद में हम आते हैं स्क्रीन प्ले पर। स्क्रीन प्ले इज स्क्रिप्ट विद कैमरा मूवमेंट्स। अगर स्क्रिप्ट में कैमरा मूवमेंट्स भी ऐड कर दें कि हर एक्टर ये कर रहा है मगर कैमरा क्या कर रहा है वो भी ऐड कर दें, तो वो स्क्रीन प्ले बनता है, तो वो भी लिखा जाता है। और उसके बाद में फिर बनता है स्टोरी बोर्ड। स्टोरी बोर्ड इज समथिंग लाइक अ कॉमिक, जैसे कॉमिक बुक होती है वैसे, कि हर एक उसमें शॉर्ट में क्या क्या हो रहा हो। ये सारा कुछ अगर एक बार हमारा हो जाता है और इसको एक बार बंद करके एक साइड में रख दिया जाता है कि अब इसके ऊपर दोबारा चेंज नहीं होगा, तब हम आते हैं प्रोडक्शन वाले फेज। प्रोडक्शन के फेज में हम शुरू करते हैं पहले बैकग्राउंड सीन्स बनाने से। जैसे हमने वो गब्बर वाला देखा था अभी जो सीन, उसके अंदर हमने सबसे पहले इसके बैकग्राउंड्स को बनाया, इसके पीछे की चीज़ों को बनाया। उसके बाद में हम ये जो एक एक कैरेक्टर को बनाया गया होगा उन कैरेक्टर्स को उठा करके वहाँ पर डालते हैं और उनको हम एनिमेट करते हैं, विच इज कैरेक्टर एनिमेशंस। उसके बाद में हम ऐड करते हैं सेकेंडरी एनिमेशन। नाउ व्हाट आर सेकेंडरी एनिमेशंस? सेकेंडरी एनिमेशंस आर कि जब भी कोई कैरेक्टर या जब भी कोई चीज़ अगर स्क्रीन पर मूव कर रही होती है तो वो कभी भी आइसोलेशन में मूव नहीं करती। हम भी जब बात कर रहे होते हैं तो ऐसा नहीं है कि जब मैं बात कर रहा हूँ तो मेरी खाली जबान मूव करेगी, मेरी गर्दन भी थोड़ी बहुत मूव करेगी, हाथ पांव भी मूव करेगी। ये सब चीज़ें जब एक साथ होंगी विच आर नॉट डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द स्टोरी राइटर्स विजन, बट वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो चीज़ को अलाइव कर रही हैं। तो ऐसी एनिमेशन उनको सेकेंडरी एनिमेशन करते हैं, उनको भी ऐड करना ज़रूरी होता है। इसको अलग से लिखा गया है, ये इसका एक बहुत बड़ा पर्पस है क्योंकि ये चीज़ें लोग अक्सर भूल जाते हैं, तो इसलिए वो एनिमेशन भी रोबोटिक बनती हैं कि वो खाली उनका खाली मुंह हिल रहा है या खाली आंखें हिल रही हैं, खाली हाथ हिल रहा है, नहीं, उसको पूरा का पूरा एक व्यक्ति की तरह, एक इंसान की तरह उसको बनाया जाए। दैट इज सेकेंडरी एनिमेशन। देन देयर आर सम बैकग्राउंड एनिमेशन। बैकग्राउंड एनिमेशन आर सेकेंडरी एनिमेशन ऑफ द सीन, जिस की सीन के अंदर पीछे कुछ हो सकता है, कहीं कोई बर्ड्स चल रहे हों, कहीं कोई घास का पत्ता हिल जाए, कोई थोड़ा से बादल की मूवमेंट हो, कोई कुत्ता है तो उसकी पूंछ हिल जाए हल्की सी, इस किस्म की चीज है। दीज आर बैकग्राउंड एनिमेशन। ऑल ऑफ दीज थिंग्स दे टुगेदर दे मेक द एनिमेशन कम अलाइव। और फिर जब इन सब को हम बता देते हैं कंप्यूटर को, इसको ऐसे मूव कीजिए, इसको ऐसे मूव कीजिए, इसको ऐसे मूव कीजिए, उसके बाद में कंप्यूटर उन सबको इकट्ठे मूव करके प्ले करता है, एंड दैट इज कॉल्ड कंपोजिटिंग। जब देन ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर प्लेड टुगेदर एंड रिकॉर्डेड, या उसको रेंडरिंग भी कह सकते हैं। सो ये कंपोजिटिंग वाला स्टेप हो जाता है, तो इससे हमारी प्रोडक्शन का फेज पूरा हो जाता है, विच इज द सेकेंड पार्ट। प्रोडक्शन फेज के बाद में हम आते हैं पोस्ट प्रोडक्शन में। पोस्ट प्रोडक्शन में हम जो इंडिविजुअल शॉट्स जो प्रोडक्शन वाले स्टेज पे बनाए गए थे उन सबको जोड़ते हैं एंड उन सबको एडिट करते हैं। एडिटिंग आप लोगों ने सब ने कल थोड़ा सा तो सीखा है, मैं भी देख रहा था जो सुबह जो मैम बता रही थी। तो एडिटिंग इज बेसिकली द प्रोसेस इन विच दैट एक्सपीरियंस इज क्रिएटेड, जो फाइनली जो व्यूअर को एक्सपीरियंस जो मिलेगा वो क्रिएट किया जाता है। तो उसके अंदर उसमें वीडियोस भी हैं, उसमें ऑडियो भी है, ऑडियो के लिए डायलॉग्स रिकॉर्ड करने पड़ते हैं, साउंड इफेक्ट्स ऐड करने पड़ते हैं, म्यूजिक डिजाइन करना पड़ता है, एंड देन एवरीथिंग इज पुट टुगेदर एंड एक मास्टर कॉपी बनाई जाती है। मास्टर कॉपी इज द फाइनल कॉपी जो कि हमारी बन रही होती है, उसको कहते हैं मास्टर। सो दिस इज द 2D एनिमेशन पाइपलाइन। इसमें से अगर आप छोटा मोटा एनिमेशन बना रहे हैं तब तो आपको सभी कुछ करना होता है और तब इतना एलेबोरेट भी वो शायद नहीं होता है, पर आप जैसे ही थोड़ा सा सेमी प्रोफेशनल स्टेज पे जाते हैं
तो देन यू नो ईच ऑफ दीज थिंग्स, ये सारी की सारी चीजें दे आर प्रोफेशंस इन इटसेल्फ. ये सब के सब एनिमेशन एनिमेटर जो व्यक्ति कर रहा हो, जो एनिमेशन कर रहा होगा, एनिमेशन अब यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल टर्म होता है, जो बेसिकली मूवमेंट ऐड करता हूँ चीज़ों में, तो वो खाली वही काम करता है, उसको वही काम, जो कैरेक्टर डिजाइनर है वो कैरेक्टर्स ही बनाता है. तो ऐसे में हमारा रोल क्या हो जाता है, हमारा रोल हो जाता है प्री प्रोडक्शन, कि हम अपने विजन को क्लियर करें सो दैट द एंटायर टीम फॉलोज इट. दे विल नेवर बी एबल टू फॉलो इट अनलेस आवर विजन इज क्लियर. सो द क्लैरिटी ऑफ विजन कम्स फ्रॉम प्री प्रोडक्शन. That is what our role is. जो बाकी की second और third है, they are usually taken care of by the team. For example, जो हमने शुरू में जो एक अशोक कुमार का animation देखा, उसके characters कैसे design किए गए, तो उसके लिए जो है अलग अलग किस्म के options characters के बनाए गए. And so basically the brief in that one was कि जो हमें character बनाना है वो इट वॉज एनिमेशन टू टेल जो कम्युनिटीज, कुछ कम्युनिटीज होती हैं जो घोड़ों के साथ में काम करती हैं, जो घोड़ों को पालती हैं, उनको कैसे बताया जाए कि वो घोड़ों को कैसे ठीक तरीके से मैनेज करें, उसकी गुड प्रैक्टिसेस क्या है. तो उसके लिए ये कैरेक्टर को बनाया जाना था और डिफरेंट टाइप्स ऑफ उसकी ड्रेसेस, उसके शूज कैसे होंगे, ड्रेसेस कैसी होंगी, कपड़े कैसे, उस सब कैसा दिखेगा, वो सब चीज़ों के ऊपर काफ़ी चर्चा हुई और उसके अलग अलग ऑप्शंस को दिखाया गया. देन उसको दिखा करके उसमें से चीज़ें चूज की गई कि इसका ये चीज़ अच्छी है, इसकी वो चीज़ अच्छी है, और कुछ फोकस ग्रुप को भी दिखाया गया, जिससे हम कम्युनिटी से भी पूछा हमने कि भाई आपके हिसाब से विच ऑफ दिस कैरेक्टर्स यू आर फाइंडिंग मोर इंस्पायरिंग, उसका एक क्वेश्चनेयर बनाया जाता है, वो सारा कुछ करके. And then all of these things they translate into a particular character. ठीक है, इसको this is what is going to further our communication objectives based. तो इसको फिर design करके, जैसे इसके shoes change किए गए थे, पहले shoes हम इस तरह से सोच रहे थे, हमको लगा था कि भाई वो ऐसे shoes inspiring होंगे, मगर they found them alienated. They उनको लगा कि ये जूते शहरी लोग पहनते होंगे, तो उनसे उनको उतना confidence नहीं आ रहा था, उनको थोड़ा सा इंडियन टच दे दिया गया, देसी टच दे दिया गया. इस किस्म की चीजें की जाती हैं. उसके बाद में जब हम लोग स्क्रिप्ट पर आते हैं, तो स्क्रिप्ट जो है वो कैसी दिखती है, अगर आपको दिखाना चाहूं, ये देखिए, ये इस एनिमेशन की छोटी सी स्क्रिप्ट है. इनफैक्ट ये इस स्क्रिप्ट में अगर आप देखें ध्यान से, इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर कुछ तो डायलॉग्स लिखे गए हैं. जैसे ये डायलॉग्स हैं, दो लोग बात कर रहे हैं, और कुछ चीज़ें जो हैं वो येलो से मार्क की गई. ये जो मार्क की गई हैं, ये चीज़ें हैं डिस्क्रिप्शन. एक अच्छी स्क्रिप्ट में इन दोनों का बैलेंस होना जरूरी होता है. मैं एक बार आपको इसके चार पांच लाइनें पढ़ के सुनाता हूं, देन वी विल सी कि हाउ दे गेट ट्रांसलेटेड इनटू एनिमेशन. इसके अंदर ये शुरू में क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है, एक गांव के पास एक पशु मेला लगा है, जहां चारों ओर जानवर बंधे हुए, तमाम लोग आ जा रहे हैं, कहीं लाउड स्पीकर का प्रचार चल रहा है, चारों ओर लोगों और जानवरों की आवाजें आ रही हैं. वहीं मेले के कोने में बैठे दो लोग बात कर रहे हैं. हसन पूछ रहा है, क्या सोच में पड़ा है हीरा, यहाँ तो एक से बढ़कर एक पड़े हैं, देख ले कोई अपनी पसंद का. तो हीरा कह रहा है, यही तो परेशानी है हसन भाई, घोड़े तो बहुत हैं लेकिन मुझे अच्छे घोड़े की पहचान नहीं. तभी वहां गाँव के होशियार चाचा निकलते हैं और वो कहते हैं कि क्या कहा, अच्छे घोड़े की पहचान, अब चाचा से बेहतर ये कौन बता सकता है, क्यों सही कहा ना हसन ने. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इन दोनों की बातचीत हो रही है और कुछ कुछ डिस्क्रिप्शन हो रही है. ठीक है, ये देखिए, अभी जो हमने पढ़ा
when this gets translated into a storyboard, this is what it should look like. It will look like. जैसे इसके अंदर जो पहली लाइन थी कि गांव के पास एक पशु मेला लगा है और चारों ओर जानवर बंधे हुए हैं, तमाम लोग आ जाते हैं. इसको ड्रॉ किया गया ऐसे कि पशु मेला है और ऊपर से देखने में ऐसा दिख रहा है. ये जो एरो है, दिस इज अगेन, इसके ऊपर ये जो एरो है, ये एक टेक्निकल चीज है. इसका मतलब है कि कैमरा की मूवमेंट होगी लेफ्ट से राइट. उसके बाद में आगे जा करके जब हम तीसरे शॉट पर पहुंचते हैं तो हमारा कैमरा ऊपर से नीचे आ जाता है, उसे नीचे आ जाता है और ये दो लोगों को तक पहुंचता है. ठीक है, जैसे ये बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये एक्चुअली लाइन टू लाइन इसको फॉलो कर रहा होगा. लास्ट लाइन में जैसे हमने बोला कि वहीं मेले के कोने में दो लोग बैठे बात कर रहे हैं, तो हमने मेले के कोने में दो लोगों को दिखाया. उसके बाद में जब उनकी बातचीत शुरू होती है तो हम लोग और पास आ जाते हैं. यहाँ पिछले शॉट में हम लोग थोड़ा दूर से देख रहे थे, पहले हम और भी दूर थे, अब हम एकदम पास आ. उसके अंदर भी अलग अलग चीजें फॉलो होती हैं कि हम किसको फ्रंट से दिखा रहे होंगे, किसको साइड से दिखा रहे होंगे. तो इसका एक पूरा का पूरा ग्रामर होता है. हम इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करेंगे अभी. ये अच्छा, देन जब ये तीसरा कैरेक्टर आता है जो कि इनको बता रहा है कि भाई मुझसे ज्यादा अच्छा कौन बताएगा, तो वो एक्चुअली एक कॉमिक कैरेक्टर है. कॉमिक मतलब कि वो कॉमेडी कैरेक्टर, उसका काम ही है हंसाना. वो हमें कुछ सिखाने के लिए नहीं आया है, वो केवल वो सारी बातें गलत बातें करेगा. उसको इस तरह से डिजाइन किया गया. तो जैसे हमने पहला कैरेक्टर डिजाइन किया था अशोक कुमार वाला, वैसे ही इसको भी डिजाइन किया जाता है. इसको डिजाइन किया गया और उसके अंदर इसकी बॉडी लैंग्वेज में, इसके खड़े होने के तरीके में ऐसी चीजें बताई गई, डाली गई, जिससे कि ये इसको देख करके हंसी आए, तो इसको सीरियसली ना ले. तो यही सब छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे एनिमेशन इंटरेस्टिंग बनती. ठीक है, अब ये दोनों बात कर रहे हैं तो हम लोग और कैमरा देखिए, कैमरा और पास आ गया. ये हम थोड़ा सा दूर से देख रहे हैं, लोग छोटे छोटे दिखे. जब बिल्कुल वो कानाफूसी हो रही है, वो कानाफूसी में उसका बंदा जो बात कर रहा है वो भी एक ऐसी बात कर रहा है कि वो बिल्कुल कान में बोलने वाली बात है कि मेरा भाई कुछ करे मत पड़ना, ये बस नाम के होशियार हैं, इनके चर्चे तो तुमने बहुत सुने होंगे. तो वो एकदम पास से हम उनको दिखा रहे. ठीक है, तो दिस इज बेसिकली व्हाट अ स्क्रीन प्ले लुक्स लाइक. सो जब भी आप एनिमेशन बनाए तो आप इन चीजों का भी ध्यान रखें. इसके अंदर व्हाट इज इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि हम उसको बहुत डिटेल में दिखाएं, बट वॉट इज इम्पॉर्टेंट इज क्लैरिटी ऑफ विजन. जो आप सोच रहे हैं वो आपके मन में क्लियर हो और वो कम्युनिकेट हो टीम के लिए, सबको समझ में आए कि हम सब लोग एक ही पेज पर पहुंचे. नहीं तो सब लोग अपनी अपनी जगह पे, अपने अपने अलग अलग शहरों पे पहुंच जाएंगे, पूरी टीम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक नहीं पहुंच पाएगी. तो ये देखिए, मैं आपको एक बार ये भी दिखाता हूँ कि जब इसके डायलॉग्स रिकॉर्ड होते हैं तो ये अच्छा, देन वही जो पिछला वाला जो एनिमेशन था वो जब उसका जब वो कलर वगैरह होकर के आ जाता है तो वो ऐसा दिखता है. उसके बाद में इसके अंदर डायलॉग्स की रिकॉर्डिंग होती है, उसमें कई बार स्क्रैच रिकॉर्डिंग भी होती है. स्क्रैच रिकॉर्डिंग इसकी हम लोग ऐसे ही फोन पर रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि एनिमेशन की टाइमिंग ठीक हो जाए. उसके बाद में फिर उसकी फाइनल रिकॉर्डिंग होती है जो कि स्टूडियो में की जाती है, जिससे की आवाजें जैसी हमें चाहिए क्लियर आए. तो आप ये देखिए, मैं एक बार आपको प्ले करके दिखाता हूँ कि कैसे. क्या सोच में पड़ा है हीरा? यहाँ तो एक से बढ़कर एक घोड़े हैं, देख ले अपनी पसंद का कोई एक. यही तो परेशानी है हसन भाई, घोड़े तो बहुत हैं, लेकिन मुझे अच्छे घोड़े की पहचान नहीं है. क्या कहा, अच्छे घोड़े की पहचान? अब चाचा से बेहतर ये कौन बता सकता है? क्यों, सही कहा ना हसन मियाँ? ये स्क्रैच रिकॉर्डिंग थी. और
इसी रिकॉर्डिंग को जब एक आर्टिस्ट से रिकॉर्ड करवाया जाता है तो वो कुछ अलग हो जाती है, वो देखिए कैसे हो जाती है। एक्चुअली वो कह रहा है कि because of these two devices there is some confusion happening and it is causing the echo. So I think I'll just skip the audio part then. Okay. I also want to show it is better now, right now, if So echo happens whenever I try to play the audio from the device having the तो अभी मैं एक काम करूंगा, मैं आपको केवल एक बार जो मैं लास्ट डायलॉग सुना था उसको उसका मैं आपको एक बार फाइनल वो दिखाता हूँ कि कैसे वो म्यूजिक और ऑडियो के साथ में, म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स के साथ में कैसे बन जाता है, एंड देन वील टॉक अबाउट इट। तो मैं थोड़ी देर के लिए मैं अपनी डिवाइस की वाली बंद करता हूँ, आई विल जस्ट प्ले दैट स्मॉल वीडियो, देन आई विल टॉक। I think you have not shared the audio while sharing your file. क्या सोच में पड़ा है हीरा? यहाँ तो एक से बढ़कर एक घोड़े हैं। देख ले कोई अपनी पसंद का। यही तो परेशानी है हसन भाई, घोड़े तो बहुत हैं लेकिन मुझे अच्छे घोड़े की पहचान नहीं है। क्या कहा, अच्छे घोड़े की पहचान? अब चाचा से बेहतर कौन बता सकता है? क्यों, सही कहा ना मैंने हसन मियां? हीरा भाई, इनके चक्कर में मत पड़ना, ये बस नाम के ही होशियार हैं। गांव में इनके चर्चे तो तुमने सुने ही होंगे। तो क्या हुआ, कम से कम सही घोड़े की पहचान तो करा ही देंगे। हाँ बेटा, हमसे कुछ कहा क्या? सही समय पर आए हो चाचा, मुझे एक अच्छा घोड़ा खरीदना है, उसकी कुछ पहचान बता दीजिए। अरे बेटा, ये घोड़े भी ना बड़े चालाक होते हैं, अगर इनको बिकने का मन ना हो तो सुस्त कर लेट जाते हैं, जिससे तुम्हें लगे कि ये तो बड़ा ढीला है, तुम उसे ना खरीदो। मेरी राय में जो तुम्हें सबसे सुस्त घोड़ा दिखे उसे खरीद दो, एक तो पैसा भी कम लगेगा और वो तुम्हारे काम भी खूब आएगा। जी, तो यू आर नाउ एबल टू लिसन टू द साउंड आल्सो, आई थिंक। एंड हम लोग उसमें, आप लोगों ने क्या नोटिस किया कि इसमें एक तो कुछ बैकग्राउंड एनिमेशंस की आप लोगों ने नोटिस आई थिंक किया होगा, कि जैसे इस वाले शॉट यहाँ पे कुछ बर्ड्स चल रहे हैं, है ना? दीज आर बैकग्राउंड एनिमेशंस दैट वी डिस्कस्ड अबाउट, एंड देयर आर ऑफ कोर्स
ये दिस इज ऑल्सो बैकग्राउंड एनिमेशन, एक और एग्जाम्पल है, तो पीछे जो चल रहे हैं, पीछे बर्ड्स चल रहे हैं, और सेकेंडरी एनिमेशन भी हमने देखी है. नॉट एवरी मूवमेंट दैट वी मेक इज अबाउट व्हाट दे आर टॉकिंग, नाउ दैट इज सेकेंडरी एनिमेशन. ऑल्सो हमने म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स भी देखे. मैं दोबारा प्ले करूंगा थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो, कि इसके अंदर पीछे से म्यूजिक था, पीछे शुरू में एक छोटी सी उसकी बांग की आवाज थी, क्या कहते हैं, मुर्गे की बांग की आवाज थी जो हमने शुरुआत जब सारे शॉट में देखे थे. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स व्हेन दे आर पुट टुगेदर इट गोज टू मास्टरिंग एंड देन द फाइनल वीडियो इज क्रिएटेड. सो आई एम नॉट गोइंग टू प्ले इट अगेन, यू हैव सीन इट एनफ टाइम्स. नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर इज Like, as I've said, कि इसके अंदर आपको टारगेट ऑडियंस का के ऊपर रिसर्च करना इम्पोर्टेंट है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना इम्पोर्टेंट है, और आपकी स्क्रिप्ट क्लियर होनी इम्पोर्टेंट. एक अब हमारे पास में एक चीज़ और है जो हम आप जल्दी से बता सकते हैं, और फिर हम बात करेंगे 3D एनिमेशन पाइपलाइन की. या उससे पहले मैं आपको जल्दी से बस एक बार कैमरा मूवमेंट्स के बारे में एक बेसिक सा वो बता देता हूँ, जिससे कि आपको सो बेसिकली जब भी आप कोई भी एनिमेशन बनाएं तो उसमें अल्टीमेटली केवल एनिमेशन नहीं, कोई भी वीडियो भी अगर आप बनाते हैं, आप फोन से भी बना रहे हैं, आप ओपन शॉट से एडिट कर सकते हैं उसको, तो उसमें इम्पॉर्टेंट है कि आपके शॉट्स या आप किसी भी चीज़ को कितना कितना दूर से या पास से आप उसकी फोटो खींच रहे हैं, वो उसको वो डिसाइडेड हो. वो ऐसा नहीं हो कि उसी वक्त की जो भी सामने आ गया हम उसको कर लें, वो डिसाइडेड हो और उसका कुछ डिलीवरेट हो, ताकि उससे कुछ जो हम बताना चाहते हैं वो क्लियर. तो ये दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉट्स. जैसे देयर इज दिस इज एक्स्ट्रा लॉन्ग शॉट, इसमें बहुत छोटा दिखता है लॉन्ग शॉट, हम थोड़ा सा पास आ गए. मोस्ट ऑफ द फिल्म्स दे आर मेड इन मीडियम शॉट. अगर आपने पिछले उसमें एनिमेशन में भी देखा होगा तो मोस्टली मीडियम शॉट या मीडियम क्लोजअप MCU इनको यूज किया. जब कोई बात कर रहा है तो हम क्लोजअप में आ जाते हैं. मोस्टली हमारा केवल ये तीन साइजेस पर ही बात होती है, ठीक है. और इसी तरीके से हम बात करते हैं कि हमारे कैमरा की मूवमेंट कैसे, कि हम लोग कहाँ से कहाँ. तो इसके अंदर भी अभी अलग अलग टाइप की मूवमेंट्स हैं. इसके अंदर सबसे नीचे जो है ये है ट्रैक इन या ट्रैक आउट, ग्रैब लेफ्ट ट्रैक. सो बेसिकली एक तो है कि आपका कैमरा लेफ्ट से राइट मूव कर रहा है, जैसे उस वाले शॉट में आसमान वाला जो शॉट था जो हम ऊपर से हम जो देख रहे थे, ठीक है, वो रिवील करने के लिए होता है. और फिर है पैन लेफ्ट पैन राइट, कि वो अपनी जगह पर ही मूव कर रहा है, अपनी जगह अपनी एक्सेस पर ही मूव कर रहा है. एंड देन बाकी तो दे आर प्रिटी एलिमेंट्री एक्चुअली. जूम इन जूम आउट, जूम इन जूम आउट को मिनिमम यूज करना चाहिए, कभी यूज करना ही चाहिए. सो एंड फाइनली देर आर एंगल्स, कि हम नॉर्मली हम जब भी कुछ बोलें, हम किसी को भी दिखाएं, तो हम उसको आई लेवल से ही दिखा रहे हैं. हम अगर हम उसको थोड़ा सा ऊपर से दिखाना चाहते हैं, हम ऊपर से दिखा सकते हैं. ऊपर से दिखाने का मतलब है कि हम उसको थोड़ा सा डरा हुआ दिखाएंगे, तो थोड़ा सा उसको टिमिड दिखाया जाएगा. ऑन दी अदर हैंड अगर हम नीचे से दिखाएंगे तो वो लगेगा कि वो ज़्यादा वो है, अपने उसको ज्यादा पावरफुल दिखाने का के लिए वो चीज यूज हो. तो दिस थिंग्स यू प्रोबेबली नोटिस दे वर यूज्ड इन दिस स्मॉल एग्जांपल आल्सो. मोस्ट ऑफ दीज शॉट्स दे आर MCU मीडियम क्लोजअप शॉट्स, एंड हम लोग थ्रू आउट इनके आई लेवल पर है, ना ऊपर जा रहे हैं ना नीचे जा रहे हैं, एक्सेप्ट जो सबसे पहला शॉट था उसको छोड़कर. और यहाँ पर हम लोग ऊपर से दिखा रहे हैं बिकॉज वी आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश, सो इन एवरी सीन वी वांट टू फर्स्ट एस्टैब्लिश. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स दे कैन बी कॉल्ड द ग्रामर ऑफ ईच. तो इसके बारे में बहुत सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, बट इट इज इम्पॉर्टेंट दैट यू नो दीज रूल्स आर फॉलोड, दीज बेसिक रूल्स आर फॉलोड. नाउ वी कैन कम टू we have got one more storyboard, but I think you know, there's my time bhi thoda sa kam hai. We can come
Yes, इटली वी कैन सर, टॉक अबाउट जस्ट लिटिल रिमाइंडर फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स. I think you have explained many features and almost all the features of creating animations. So, sir, you can carry on the presentation. Actually, we are already 5 minutes late, and okay. So it is I'll requested to you up. if you can wind it up, and then we can take the queries from the participants. Totally. So I'll just yes, quickly sir. Now wind you up. Can carry on. Yes, sir. Okay. Yes. Thank you. तो मैं एक बार जल्दी से आपको केवल 3D एनिमेशन की पाइपलाइन के बारे में बता देता हूँ. ये थोड़ा इसमें और 2D में हल्का सा फर्क होता है. जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो सारा का सारा सेम है, मगर सेकंड पार्ट में ये कुछ नई टर्म्स आप लोग देख रहे होंगे. यहाँ पर होता है मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, रिगिंग, एनिमेशन, लाइटिंग एंड रेंडरिंग. मॉडलिंग इज व्हेन चीजों का एक 3D मॉडल बना करके कंप्यूटर में डाला जाता है. टेक्सचरिंग इज व्हेन वी टेल द कंप्यूटर कि हर एक सरफेस जो है उसकी वो कैसी दिखेगी और वो लाइट से कैसे इंटरेक्ट होगी. रिगिंग इज व्हेन वी टेल देम कि कोई चीज कैसे मूव करेगी, विच इज समथिंग लाइक अगर हम एक इंसान को वो तो बना देते हैं मगर वो मूव कैसे कर रहा है, तो कोई भी चीज कहीं से भी मूव नहीं करती, उसमें जहाँ पे हड्डियां होंगी वो एरिया मूव नहीं करेगा. रिगिंग इज समथिंग लाइक एक मॉडल के अंदर हड्डियां डालने कंप्यूटर की लैंग्वेज में, हम वो कहाँ से कहाँ कहाँ पे क्या क्या मूवमेंट्स उसमें अलाउड. एंड देन एनिमेशन इज व्हेन दोज मूवमेंट्स आर एक्चुअली क्रिएटेड. लाइटिंग इज सीन्स में लाइट क्रिएट करना. एंड देन रेंडरिंग इज व्हेन एवरीथिंग इज प्लेड आउट टुगेदर. इसके अंदर भी प्री प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम होते हैं. बट जैसा मैंने पहले बताया था, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट टू मच अबाउट दीज थिंग्स, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द बिग पिक्चर. बिकॉज इन ऑल प्रोबेबिलिटी जब आप 3D एनिमेशन पे काम कर रहे होंगे तो आप अकेले नहीं होंगे, देयर विल बी अ टीम वर्क. सो योर जॉब इज टू हैव अ क्लियर विजन एंड द टीम वुड देन बी एबल टू ट्रांसलेट दैट विजन. ओके, देन आई थिंक ये हमारे पास में कुछ और एक दो चीजें हैं जो शायद आपके काम आ जाएंगी. देन वी कैन क्विकली वाइंड अप. यू माइट वांट टू जस्ट मेक अ नोट ऑफ दिस. दीज आर सम फ्री एनिमेशन एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स. ऑल ऑफ दीज आर अवेलेबल फ्री फ्रॉम द इंटरनेट. आप इनको यूज कर सकते हैं और इनसे आप बेसिक एनिमेशन बना सकते हैं. ओपन शॉट आप लोग ऑलरेडी इस पर काम कर चुके हैं. डाविंची रिजॉल्व जो है ये एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर है. This is used for color correction as well as for editing. And the best part about this is that it is available free of cost. And iska license version bhi free of cost available hai. Aap isko download kar sakte hain. Iske andar keval ek hi cheez hai ki isme kuch agar aap isme kuch hardware hota hai wo agar khareedenge to uske liye aapko paise dene hote hain. Uske bina bhi magar aap isko use kar sakte hain. Adobe Premiere Rush bhi this is an editing software free of cost, it is available. And Blender mere khayal se aapko iske bare mein sikhaya bhi jayega. And these are some websites where you might want to just make note of this. In sabse aapko online resources, online cheeze aap download kar sakte hain aur unko aap animate kar sakte hain. So I think that is all that we have time for today. And Gulshan ma'am, if you can take up from here. Yes, sir. Okay, thank you so much, sir. हाँ, एक दो क्वेरी ले लेते हैं हम. जी जी बिल्कुल. मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जिसको कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज अपना हैंड रेस कर दे, वर्चुअल हैंड, ताकि हमें पता चल जाए कि आप का कोई डाउट है. एक क्वेश्चन आया है सर, प्लीज एक्सप्लेन सॉफ्टवेयर स्लाइड वंस अगेन, रामपाल सर पूछ रहे हैं. हाँ जी. और वानी मैम, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ. या गुड मॉर्निंग मैम. आई जस्ट वांट यू टू शो अ लिटिल सैंपल ऑफ दैट एनिमेशन यू क्रिएटेड. Because we must know how to add the background layers also.
You want to see, ma'am? Vani, ma'am? Little sample. I think everybody would be interested. देखिए, एक तो आपने जो पहला सवाल था, मैं पहले उसको लेता हूँ कि फ्री एनिमेशन इसकी जो सॉफ्टवेयर की साइट थी इसको, सो ये तो है, और इसमें ओपन शॉट आप लोगों ने सीखा हुआ है। डाविंची थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर है, मगर फ्रीली अवेलेबल है, दैट इज द बेस्ट पार्ट। आप इसको डाउनलोड कीजिए, अगर आपके पास में सिस्टम है जिसके अंदर एक डिसेंट ग्राफिक्स कार्ड है तो आप इसको यूज कर पाएंगे। और Adobe Premiere एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। प्रीमियर रश उसका वो है, सेमी प्रोफेशनल वर्जन है। ये भी, इसमें बेसिक चीज़ें बहुत सारी हो सकती हैं। ब्लेंडर भी एक एनिमेशन कम एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, इसको भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये ओपन सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, डाउनलोड कीजिए, इसको यूज़ कीजिए, एंड इसको मेरे ख्याल से इस कोर्स के अंदर आपको इस बारे में सिखाया भी जाएगा। बट वट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज नॉट टू actually you know, because not to spend too much time on learning the softwares but understanding the principles behind it, because aap jo bhi software padhenge wo jo bhi aap usko samjhenge wo within 2 years uska interface uske jo usme kuch na kuch update aa jayega aur wo updated ho chuka hoga. What will stay with you is the basic jo steps follow karne hain, वो लगभग लगभग वही है, वो सेम। दूसरा जो वानी मैम ने बोला था कि यू वांटेड टू सी हाउ दोस सॉफ्टवेयर्स, हाउ दोस फिल्म्स वर मेड, तो दे वर मेड ऑन सॉफ्टवेयर कॉल्ड आफ्टर इफेक्ट्स, एडोब आफ्टर इफेक्ट्स। दैट इज नॉट अ फ्री सॉफ्टवेयर एंड दैट इज अ लाइसेंस सॉफ्टवेयर एंड विच मेक्स इट लाइक स्लाइटली डिफिकल्ट फॉर अस टू शो इट हियर, बिकॉज यहाँ पर हम लोग उसकी खाली ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। पर हाँ, उसमें जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो सारे के सारे सेम हैं। वो वही लेयर्स हैं, उनको बनाया गया है, उनको उनको ड्रॉ किया गया है। और जैसे जब हम इसकी बात कर रहे हैं, अगर हम किसी भी सीन की बात कर रहे हैं, मान लीजिए इस सीन की भी बात, या इस सीन की अगर हम बात करते हैं, तो ये सारी की सारी एक एक लेयर है ये बैकग्राउंड, और ये जो लोग इसमें चल रहे हैं वो लोग सब, और इनको केवल एक दूसरे के सामने रखा गया है और उनको इनको इंडिविजुअली एनिमेट करके उनको जोड़ा गया। दिस इज ऑल समथिंग व्हिच एनी एनिमेशन सॉफ्टवेयर। कोई मोबाइल एप्लीकेशन है सर? एक क्वेश्चन आया है जिससे एनिमेशन क्रिएट कर सके। हाँ, तो एक सॉफ्टवेयर, उसका नाम है प्लूटोगन। प्लूटोगन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर। सर प्लीज राइट डाउन द नेम स्पेलिंग्स। सर आप बता दीजिए, मैं लिख देती हूँ। मैं आपको चैट पे लिख करके दे देता हूँ। ट्रेनिंग चल रही है मेरी, रुको ना। पता नहीं मुझे। ये प्लूटोगन है, प्लूटोगन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इससे आप बेसिक एनिमेशन बना पाएंगे। बाकी जो ओपन शॉट है, ओपन शॉट इज आल्सो क्वाइट, इट इज एक्चुअली प्लूटोगन। आई एम सो सॉरी, इसकी स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई है। प्लूटोगन, PLOTAGON। ओके, थैंक यू सर। एक दिनेश सर की क्वेरी ले लेते हैं, फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं, क्योंकि हमें नेक्स्ट रिसोर्स पर्सन वो भी वेट कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी सर, आई हैव अ क्वेरी। यस यस, प्लीज गो अहेड। I would like to know, आपने एक स्क्रैच वीडियो वॉइस बोला था, और वॉइस मॉड्यूलेशन ये कैसे ऐड किया है? मतलब इसी के अंदर ही है, सॉफ्टवेयर के अंदर? जी देखिए, जब आप एडिटिंग, सो बेसिकली जो हमने पाइपलाइन पढ़ी थी ना, उसके अंदर हमने देखा था कि एक तो एनिमेशन का सिस्टम है, उसके बाद में वो एनिमेशन करने के लिए जब हम थर्ड वाले बॉक्स में जाते हैं, तो वो सारा का सारा काम वो होता है एडिटिंग सॉफ्टवेयर में, किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में। जैसे इट कैन बी Adobe Premiere, or it can be a software called Final Cut Pro. So, but these are professional softwares. और जैसे ये है OpenShot. OpenShot is a free software. So किसी भी इस किस्म के editing software में जाते हैं, तो उसके अंदर उसकी voice add की जा सकती है। Voice का soundtrack बनाया जा सकता है, वो आपको बनाना आ चुका है, आप लोग Audacity से बना सकते हैं। और उन सब चीजों को फिर
एक एक जो एनिमेशन है उसके साथ में जब हम उसको प्ले करते हैं तो वो लगता है कि वो ही कैरेक्टर उस आवाज को बोल रहा है. सो दैट इज द प्रोसेस. एक सर GIF फाइल्स ग्राफिक इंटरफेस तो वो भी इसी का ही पार्ट हो सकता है. GIF जो है सो बेसिकली जब हम ग्राफिक्स की बात करते हैं ना, जब हम ग्राफिकल इसकी ग्राफिकल क्या कहते हैं इसको फॉर्मेट्स की बात करते हैं, जब हम ग्राफिकल फॉर्मेट्स की बात करते हैं तो उसमें अलग अलग टाइप के ऐसे फॉर्मेट्स होते हैं. JPEG होता है, PNG होता है, तो वैसे ही एक फॉर्मेट होता है उसको GIF बोलते हैं. GIF के अंदर बेसिक बेसिक छोटी छोटी एनिमेशन अलाउड होती है, बट उनकी क्वालिटी जो है उसमें नहीं फाइन नहीं होती. फाइन नहीं होती, उसका रीजन ये है क्योंकि वो बहुत ज्यादा मेमोरी लेता है. एक छोटा सा GIF एनिमेशन भी जो होगा ना, अगर वो अच्छी क्वालिटी का है और उसमें डिसेंट पिक्सल्स है तो वो बहुत हैवी बन जाएगा. इसलिए okay. उसका फ्लिप साइड ये होती है कि भाई वो छोटी वो जब बनाया जाता है तो ऐसे बनाया जाता है कि उसके अंदर ज्यादा डिटेल नहीं होता कि वो छोटी छोटी बने. तो इसका यूज कुल मिलाकर के केवल वेबसाइट्स पे ही लगाया जाता है, पर अब वो भी ऑब्सोलीट हो चुका है बिकॉज इट इज पॉसिबल टू यू नो हैव प्रॉपर एनिमेशन पुट इट ऑन यूट्यूब एंड देन लिंक इट विद द वेबसाइट. सो वन कैन एक्चुअली हैव कंप्लीट लाइक अ प्रॉपर डिटेल्ड एनिमेशन. सो एनिमेशन जब हम लोग बनाते हैं तो मोस्टली हम लोग MPEG-4 या H.264 जिसके कोडेक्स होते हैं जिनको यूज किया जाता है उसके ऊपर बना रहे होते हैं. एंड दे आर द एक क्वेश्चन हो रहा है सर. अच्छा चारों सॉफ्टवेयर में से बेस्ट सॉफ्टवेयर कौन सा है जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं है और जिससे हम अच्छी एनिमेशंस बना सकते हैं? आप शुरू कीजिए, मेरे ख्याल से ओपन शॉट से ही शुरू कीजिए. okay. और आप बेसिक कुछ चीजें जो है यू नो यू कैन इवन मेक जो क्या कहते हैं उसको you know you can go to freepik एक वेबसाइट है जो मैंने इसमें आपको बताया अभी था. तो freepik.com से आप जाकर के you can download PNGs. PNGs are you know images without any background like we all know. So may I come in at this point sir? Yes please. Yes क्वेरीज मुझे लगता है सेशन इतना इंटरेस्टिंग था कि ऑटोमेटिकली जो क्वेरीज हैं वो जनरेट हो रही हैं. इसका मतलब है आप सब लोग बहुत से सुन रहे हैं. आई कैन जस्ट फिनिश द पॉइंट दैट आई वाज ट्राइंग टू मेक देन उसके बाद में मैम आप यू कैन जस्ट पिक अप बिकॉज़ दिस आधा मिनट दीजिएगा. सो आई वाज ट्राइंग टू से कि अगर आप केवल freepik.com पर जाते हैं, freepik से आपको PNGs मिल जाएंगी. PNGs आर इमेजेस विदाउट एनी बैकग्राउंड, है ना? And then you can animate them using OpenShot. So that is the most basic thing आप इसको किया जा सकता है. और उससे आप basic animation बनाना शुरू कर सकते हैं. आप जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे resources और आते जाएंगे. Right? Now over to you, ma'am. Sorry. Thank you, sir. Thank you, sir. नहीं, it's okay, sir. अच्छा है कि queries तो कम से कम आप वो कर रहे हैं, सबको address कर रहे हैं. तो अभी भी मैं देख रही हूँ कि कुछ हैंड्स रेज हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने जो क्वेश्चंस हैं वो या तो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दें या इधर डाल दें, हम सर तक कन्वे करेंगे और सर जो है उन सब का रिप्लाई करेंगे. तो क्योंकि हमारा टाइम थोड़ा सा ओवर जा रहा है, नेक्स्ट सेशन भी हमको स्टार्ट करना है. मैं आयुष सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि सर आपने अपना टाइम हमें दिया और हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टाइल में एनिमेशंस क्रिएट करना बताया. इवन आपने वो सॉफ्टवेयर्स को कैसे ऑपरेट करते हैं और उसकी जो माइन्यूट डिटेल्स थी हाउ वी कैन क्रिएट एनिमेशन एंड व्हाट पॉइंट्स डू वी हैव टू टेक केयर व्हाइल क्रिएटिंग एनिमेशंस, ये सब आपने हमको बताया. सो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये इसको लेके एनिमेशन क्रिएशन को लेके कुछ जो डाउट्स थे वो हमारे क्लियर हुए होंगे, लेकिन अभी भी डाउट्स रह गए क्योंकि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिया और बहुत वास्ट एरिया है ये एनिमेशन का. तो जो भी क्वेरीज है वो आप प्लीज़ हमें पोस्ट कर दीजिएगा अपने ग्रुप में. और सर आपका बहुत बहुत थैंक्स, आई रियली वॉन्ट टू थैंक यू कि यू हैव ज्वाइंड अस फॉर दिस सेशन एंड वी वुड लाइक टू हैव मोर सेशंस विद यू. So sir, thanks and now... Thank you.